आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले मैं डॉक्टर सोमूर का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ बहुत सारे टीचर एजुकेटर्स और स्टूडेंट टीचर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, उस पे मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला। टीचर एजुकेटर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ मैं लगातार पिछले 2-3 महीने से देख रहा हूँ कि कोई ना कोई व्यक्तित्व जो टीचर एजुकेशन के फील्ड में है वो यहाँ आते हैं और अलग अलग तरह के वैरायटी ऑफ जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर अपनी बात रखते हैं, चाहे वो रिसर्च के इश्यूज हैं, चाहे वो टीचर एजुकेशन के इश्यूज हैं, चाहे वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के इश्यूज हैं, चाहे वो इंक्लूसिव एजुकेशन के इश्यूज हैं। उन सभी इश्यूज के बारे में बार बार मैंने देखा कि अलग अलग व्यक्तित्व अलग अलग यूनिवर्सिटीज से, अलग अलग संस्थाओं से, चाहे वो राजनीतिक संस्थाएं हैं, चाहे वो धार्मिक संस्थाएं हैं, उसमें भी किसी भी आदमी के पास यदि कुछ बात कहने की है, खास करके जो अध्यापक वर्ग को कोई मैसेज दे पाए, यदि ऐसी बात है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म की जो शुरुआत है एक बड़ा अच्छा एक यू नो ध्येय है इस ग्रुप के ऑर्गेनाइजर्स का। मुझे लगता है कि मेरी बात सुन पा रहे हैं आप लोग? Am I audible? Hello? यदि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है, तो कोई मैसेज कोई भी पार्टिसिपेंट या एडमिनिस्ट्रेटर में से चैट ग्रुप में डाल दे, सो दैट मैं अपनी बात कंटिन्यू करूं। डॉक्टर सोमू, आप सुन पा रहे हैं? मुझे कोई मैसेज नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको पॉज किए हैं। यदि कोई मैसेज आ पाएगा तो हम अपनी बात कर पाएंगे आपके साथ। डॉक्टर सोमू की तरफ से मुझे मैसेज आ गया है कि आप लोग, मेरी आवाज आप लोगों तक जा पा रही है। आज का जो विषय मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए चुना वो है टीचिंग एज प्रोफेशन। ये एक ऐसी डिबेट रही हमारे अध्यापन विषय में नहीं, हमारे अपने टीचर एजुकेशन फील्ड में नहीं, लेकिन वर्ल्ड वाइड किस एक्टिविटी को, किस वोकेशन को हम प्रोफेशन में क्लासीफाई करें और किसको ना करें, उसके क्या पैरामीटर्स हों, और उन पैरामीटर्स को डिस्कस करने के बाद ये समझने की कोशिश की क्या जो टीचिंग प्रोफेशन है वो प्रोफेशन की कैटेगरी में आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा है। ये कुछ विषय शुरू से ही बहुत अलग तरह से टीचर एजुकेशन को कहीं ना कहीं अटकते रहे। कई बार ये इशू हमारे सामने आता है कि टीचिंग जो है या टीचर एजुकेशन जो है, क्या वो एक डिसिप्लिन की तरह से डेवलप कर पाया, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे कंट्रडिक्शंस आते हैं कि एक ऐसा विषय
जो जो जिसका कोई सब्जेक्ट कंटेंट स्पेसिफाइड नहीं है, यदि आप किसी से कहते हो कि आप किस सब्जेक्ट के टीचर हो, आप कहते हो कि मैं एजुकेशन का सब्जेक्ट हूँ, सब्जेक्ट का हूँ, तो बहुत बार ये दिमाग में उनके आता है कि एजुकेशन के तो हम सभी लोग हैं, लेकिन आप पढ़ाते क्या हैं? जैसे हम ये कहते हैं हम ज्योग्राफी के प्रोफेसर हैं, हम अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, हम बायोलॉजी के प्रोफेसर हैं, ऐसे ही जब किसी को कहा जाता है कि हम एजुकेशन के प्रोफेसर हैं, तो वो जो एस्पेक्ट है, वो जो फिनोमिना है, वो बहुत सारे लोगों को बहुत अलग तरीके से समझ नहीं आ पाता। और मुझे लगता है कि ये एक अवेयरनेस की कमी या इसको कॉन्सेप्चुलाइज करने की कमी, कि हम लोगों ने टीचिंग को कैसे कॉन्सेप्चुलाइज किया उसके बारे में, ये कहीं ना कहीं एक मुद्दा है जो जो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। ये टीचर एजुकेशन के लोगों के लिए नहीं, बाकी सब सब्जेक्ट के लोगों को भी इस बात की समझने की जरूरत है कि एक एजुकेशन एक ऐसा इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है या एक सब्जेक्ट डोमेन है जिसको जिसको कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को समझने की और डेवलप करने की जरूरत है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि एक बार हम लोग एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बार्सिलोना गए, और जब बार्सिलोना गए तो वहाँ टीचिंग पेडागोजी के ऊपर, टीचर एजुकेशन के ऊपर कॉन्फ्रेंस थी। और जब हम लोग वहाँ गए, वहाँ अराउंड 1400-1500 लोग आए हुए थे, और पहला कीनोट एड्रेस हुआ, और उसके बाद 15-20 रूम्स में स्पेसिफाइड जो पेपर प्रेजेंटर्स थे वो थे, और एक बुकलेट दी हुई थी, किसी को कहीं भी जाना है तो वो उस रूम में वो देखता है कि रूम नंबर 1 में ये 5 प्रेजेंटेशंस होनी है, रूम नंबर 2 में ये प्रेजेंटेशंस होनी है, रूम नंबर 3 में ये प्रेजेंटेशन। तो जिस प्रेजेंटेशन को जिस टाइम स्लॉट पे उसे सुनना है तो आदमी उस रूम में चला जाता था और वहां बात सुन लेता था, पेपर प्रेजेंटेशन जो थी उसको सुन लेता था अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। और जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो आप लोगों के साथ शेयर करने जैसी मुझे लग रही है वो ये कि जब मैंने वहां देखा कि कौन लोग पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ टीचर एजुकेशन के लोग नहीं थे, उसमें ज्योग्राफी के लोग भी थे, उसमें आर्किटेक्चर के लोग भी थे, उसमें लॉ के लोग भी थे, उसमें मेडिकल के लोग भी थे, लेकिन एक बात उन सभी में कॉमन थी, और वो बात कॉमन क्या थी कि सभी के सभी जो थे वो टीचर्स थे। तो जब हम पेडागोजी की बात करते हैं, जब हम पढ़ने पढ़ाने के तरीकों की बात करते हैं, जब हम बच्चों को समझने की बात करते हैं, जब हम आईसीटी के यूज की बात करते हैं, तो वो सभी टीचर्स के लिए कॉमन है। तो उसमें चाहे वो टीचर एजुकेशन का प्रोफेसर हो, चाहे वो ज्योग्राफी का टीचर हो, चाहे वो लॉ का टीचर हो, चाहे मेडिसिन का टीचर हो, सभी टीचर्स की एक कैटेगरी है। और जब तक हम इन हिस्सों में बटे रहेंगे कि ये ज्योग्राफी का टीचर और ये बॉटनी का टीचर और ये अंग्रेजी का टीचर और ये हिंदी का टीचर, तब तक टीचिंग जो जो प्रोफेशन है वो एज प्रोफेशन बहुत सारे लोगों के दिमाग में डेवलप नहीं होगी। शायद कई बार हम उसको जब हम देखते हैं कि हाँ लोग किस तरह से इसको व्यू करते हैं, तो शायद हम हमें ये लगे कि हाँ ये प्रोफेशन की तरह से डेवलप कर रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्लैरिटी नहीं है। और हालात ये हैं कि यूपीएससी के का जो सिलेबस है उसमें एजुकेशन एज सब्जेक्ट की तरह से नहीं आ रहा, और इसमें इंटरडिसिप्लिनरी होने का भी कोई दोष नहीं है। जैसे मैं यदि कहूं कि मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो है वो बहुत लेट शुरू हुआ एजुकेशन से, लेकिन उसके बाद भी मैनेजमेंट आज एक एस्टेब्लिश्ड डिसिप्लिन और प्रोफेशन की तरह से काम कर रहा है। लेकिन एजुकेशन के बारे में हमें बहुत सारे डाउट्स अलग अलग तरह से रहते हैं। यदि हम एज टीचर्स या टीचिंग को यदि हम एक प्रोफेशन की बात की तरह से देखें, तो एक बात बड़ी साफ है कि हमें एज टीचर्स एक कम्युनिटी की तरह से टीचिंग एक 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 डिसिप्लिन की तरह से एक्सेप्ट करनी पड़ेगी अक्रॉस द डिसिप्लिन। जब मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूं, तो यदि मेरे सभी यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट जो हैं यदि वो अपने अपने सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं इस बात की जरूरत है कि जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है ये एक धुरी है जिसके चारों तरफ बाकी सारे डिसिप्लिन मूव कर रहे हैं, और ये धुरी बहुत स्ट्रोंग होगी, मतलब कि ये डिपार्टमेंट सभी डिपार्टमेंट के साथ इस तरह से इंटीग्रेटेड होगा कि ये उन सब चीजों के बारे में सभी डिपार्टमेंट्स को बताए कि अच्छा टीचर कैसे बना जा सकता है, अच्छी अध्यापन की तकनीकियां कैसे बच्चों को समझने में और बच्चों तक कंटेंट को पहुंचाने में
हेल्प कर सकती हैं, कितने अच्छे तरीके से हम इवेल्युएट कर सकते हैं और किस तरह से हम एक होलिस्टिक एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू द डिलीवरी ऑफ कॉन्टेंट रिलेटेड टू सोशल एंड फिजिकल रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो इसका मतलब है कि यदि मुझे फिजिकल रियलिटी समझनी है तो मुझे ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी, मुझे जियोलॉजी समझनी पड़ेगी, मुझे केमिस्ट्री समझनी पड़ेगी, मुझे फिजिक्स समझनी पड़ेगी, मुझे जियोलॉजी समझनी पड़ेगी। और यदि मुझे सोशल रियलिटी को समझना है तो मुझे साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, मुझे पॉलिटिकल साइंस समझना पड़ेगा, मुझे इकोनॉमिक्स समझना पड़ेगा। ये सब चीजें सोसाइटी की को समझने में मुझे हेल्प करती हैं। लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूं इस सारे कंटेंट को तो एक और समझ मुझे एज टीचर चाहिए, और वो समझ क्या है कि इस पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है। जब तक ये उद्देश्य हर टीचर के दिमाग में बहुत साफ नहीं होगा तब तक हम बहुत अच्छा पढ़ा नहीं पाएंगे। सो एक बात जो मुझे लगती है कि टीचिंग जो लोग टीचिंग प्रोफेशन में हैं या टीचिंग एक्टिविटी कर रहे हैं उनके सामने एक विजन होना, और वो विजन कौन उन तक पहुंचा सकता है, क्योंकि हायर एजुकेशन में तो कहीं भी टीचिंग की ट्रेनिंग नहीं है। कुछ थोड़े बहुत इंस्टेंसेस ऐसे हैं जैसे एकेडमिक स्टाफ कॉलेज शुरू हुए इस बात को समझने में, मतलब यदि आप ये देखिए कि यदि आप स्कूल में टीच करना चाहते हो तो आपको पहले एक साल था, अब दो साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जहां आपको समझाया जाता है कि बच्चे की साइकोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज क्या अवेलेबल हैं, सॉफ्टवेयर्स जो पढ़ने पढ़ाने के जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं, बच्चे कितने तरह के होते हैं, बच्चों को कैसे समझा जा सकता है, बच्चों को कैसे इवेल्युएट किया जा सकता है, अलग अलग तरह के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए और कैसे उन्हें इवेल्युएट किया जाए, ये सब बातें कहीं ना कहीं हमें लगती है कि कहीं ना कहीं समझने की हैं। जो कंटेंट है उसको कैसे सीक्वेंस किया जाए, किन तरीकों से सीक्वेंस किया जाए, कौन कौन से सपोर्ट सिस्टम्स को यूज किया जाए, किस प्रोसेस को, किन स्टेप्स को किन स्टेप्स को फॉलो किया जाए कि बच्चे तक कंटेंट बहुत अच्छे से जा पाए, ये सब बातें एजुकेशन या टीचिंग को समझने वाले जो लोग हैं उनको समझने की बात है। सो एक बात जो समझने की है वो ये कि भारत देश में यदि टीचर पढ़ाता है तो वो किस पर्पस से पढ़ाता है। ये पर्पस जब तक टीचर कम्युनिटी के पास नहीं जाता तब तक हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएं वो एक बड़ा थ्योरेटिकल, बड़ा नैरोर कॉन्सेप्ट में आपको लगेगा कि वो सारा चल रहा है। तो एक बात जो नेशनल नॉलेज कमीशन ने कही, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि एनलाइटन्ड, इमेंसिपेटेड एंड एम्पावर्ड टीचर्स लीड कम्युनिटीज एंड नेशंस इन देयर मार्च टुवर्ड्स बेटर एंड हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ। एनलाइटन्ड, इमेंसिपेटेड, एनलाइटन्ड मींस जब चाणक्य कहते हैं प्रथमाना अर्जिता विद्या, द्वितीयाना अर्जिता धनम, तृतीयाना अर्जिता यशम, चतुर्थे किम करेसी, नाउ दिस चतुर्थे इज self-realization. This is what is meant by enlightenment, meaning thereby we make use of our early years to educate ourselves. Second is that I am able to develop those competencies through the process of education that I am able to earn my livelihood. And once I earn my livelihood and take care of my family around, thereafter I start detaching myself after a particular time when my kids are grown up and are ready to take the responsibility. And then I start looking for the welfare of the society outside my immediate family. Now, after that, I enter into the last phase, that is sannyas. So sannyas means I'm detaching myself not only from the immediate family, but from social life also. And then I'm living towards spiritualization that moves towards self-realization. So if you are a teacher, then you need to understand life in a very comprehensive manner. Comprehensive means the purpose of life, the purpose of growing a child who is sitting in your class is not only to deliver content, but to tell him the total perspective of life, the total perspective of life. And that perspective is not only that you develop competence and knowledge to earn money and to feed your family, and you keep doing that continuously till your
death. No, there are a few more phases that, you know, once you take care of this aspect, which is also very important, once you do that, thereafter comes that you start working for society. So that complete perspective of life, that life is not meant for feeding you only and your immediate environment, but it is to do something for social life also, and thereafter some kind of personal endowment, personal achievement in life in terms of the development of soul. So this is what is enlightenment. And then emancipate it, like doing something beyond yourself, tyag, feeling of tyag, of, you know, value of tyag, and empowered. Empowered means when you are free to take decisions. You're free to take decisions. Now, when you are ready, like free to take decisions, very competent. You will be allowed by anybody to take decisions only when you are expert of your field. So a teacher has to be enlightened. He must have a perspective of a complete holistic life. He needs to work beyond his personal interests, and then lastly, that, you know, he needs to be an expert, and he should be independent in taking decisions. And only such kind of teachers, those who are having these three qualities, they only have the ability to lead community and nations in their march towards better and higher quality of life. So if you want that, your students who are going to be a part of the community in later life, they are able to, like, you are able to lead them, you are able to groom them in such a manner that they can lead societies, then for that kind of development, this type of teachers are required. Now, let me come to teaching, like understanding of teaching. When I'm saying understanding of teaching, there are two perspectives. One perspective which many times industrialists or business people take. Like in society, you have business capital. So when you take teaching from the point of view of business capital, it means you consider it to be a activity which is giving you returns in terms of financial health, in terms of economy. So there we consider that teaching is a mechanical device, and by structuring education, by structuring teaching, by laying down the content in a particular way, we can develop some mechanism wherein the student can learn and achieve better. So all efforts which are dominated by ICT, and there is an intention of trying to replace teacher with technology. And, you know, for example, you have EDX, Coursera, Swim Portal. If these platforms are being used for the purpose of supplementing the classroom teaching, it can be considered, a better option. But if in Coursera or EDX we launch a program, we deliver it very effectively through the provisions of ICT, because ICT has got a lot of potential, and intelligent people, they know how to exploit the potential of that technology. So if you design content in such a manner that the student is able to acquire knowledge efficiently, proficiently, and are able to acquire competencies also through that process, meaning thereby you give content, you give demonstration, you ask them to do some activity, they do it at home, they upload it, and you evaluate it. So what you are doing is you are making those circumstances on a platform wherein competencies and activities are designed and are demonstrated, and then you are asked to somehow do the same thing at home, and while doing it, record it or report it and put it on the portal, and those people, they send it to different professionals, they evaluate that and give you feedback, and slowly and slowly you are understanding the things also, understanding the content also, knowledge also, and then you are also trying to develop some kind of competencies. And through that, now there are a lot of many people, students number is quite large. So you put some fee on that,
on the basis of that fee, you are running different programs and you are certifying also. So, you know, this process is somehow is a business capital approach. Whereas, there's another approach to teaching, that is professional capital. Meaning thereby, we consider teaching to be a very professional activity. Very professional activity, and we think that in this activity, the contact between teacher and student is very crucial. Meaning thereby, when I'm face-to-face interacting with my students, I'm assessing the field. Like, for example, right now, I really don't know what you are understanding. What I'm saying, whether you are able to hear that or not. Whether I'm able to communicate that to you or not. All these things are there in your mind. These are the questions. And whatsoever I'm speaking, I'm not speaking from the point of view of your reception. This is all one-way interaction. So in this one-way interaction, probably I am not able to find out whether what I am saying is being communicated or not. And when it's a big group, like you have this group, Dr. Somu told me that we have got thousands of people on this portal. Now, when you have this kind of portal where thousands of people are available and you are supposed to listen to or look into the requirements of different people, probably you are not able to handle that. Why? Because when you are teaching audible, okay, I'm not getting any chat on this. That's why I'm a little worried whether you people are able to listen to me or not. Somu, if you could just send me a message that I am visible and audible properly, I can continue myself. Should I continue? No response. Okay, let me. So, you know, when we are saying that professional capital, it means I'm considering teaching to be a very professional activity. And when I'm saying it's professional activity, it means I'm conscious of the fact that my interaction has got two aspects, that I'm there as a teacher, students are there. And both are communicating, meaning thereby that communication is not only verbal, but that communication is non-verbal also. And if it is non-verbal also, I am trying to assess whether my students are able to listen to me and are getting. Sometimes as a teacher, when I am teaching, I myself come to know that there are some doubts in the mind of the learner. Like the student doesn't ask me anything, but by looking at the student's faces, I can always make out whether I am able to communicate with them or not. So this is something which requires a kind of interaction with the teacher. Secondly, you know, when I'm looking at the teaching from a professional point of view, see, there are different types of learners. In my class, there would be a learner who is very quick in understanding my language. There are few students who do not feel comfortable when I'm speaking, but they feel very happy and they learn when I write something or I show something. Another situation, you know, when I'm asking them to do something, probably they understand better. So this is another aspect of effective teaching learning, that I have to understand the type of learners I am teaching. So when I'm saying professional is professional capital, it means teacher must have a scientific knowledge of the subject and teacher must have a scientific knowledge of the pedagogy. And when I'm saying pedagogy, means he is able to take right kind of decisions as a judge. You know, when judge is delivering, judgments year after year, sometimes, when he starts
listening to the arguments, within one or two or three hearings, he's able to make the judgment. Sometimes even evidence is not coming, but he's able to make the judgment out of it. So with experience, you develop a acumen of taking decisions. So as a professional, you have a technical expertise of understanding of different competencies and different pedagogies, different techniques of teachings. And then you are also able to take right kind of decision that, you know, in this situation, if I teach with these techniques, probably I'll be able to communicate in a better way. In this kind of content, if I take, MCQs as a evaluation technique, probably I'll be, in a better position to evaluate my students in a better way. Or sometimes if I ask them to perform something, that will be a better way to evaluate the students. So one aspect which is very important from the point of view of teaching is that I accept it. That, you know, teaching is not an activity from where I am interested to earn money. Teaching is a activity which is meant for a particular social cause. If I educate, if the system of education in a particular society is aiming that we have to develop citizens for this society. When I'm saying this society, it means there are two aspects. One is that I'm equipping them with certain knowledge and competencies that they are becoming productive when they get into the actual life. Meaning thereby, when he goes out of education system, then he has the competence of certain things which make him to earn. Like he can work as a doctor, he can work as an engineer, he can work as a software manager, he can work as a banker, he can work as a designer, he can work as anything. Or he can work as a teacher. So the education system must aim that when I am teaching, I must make him competent to do some productive work in the society. This is one aspect of education. And second aspect is that in the society he is living, jis samaj mein wo aadmi reh raha hai, us samaj mein rehne ke liye kya values uske andar honi chahiye. यदि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें आनी चाहिए. जैसे हमें एक खास तरह का सेल्फ डिसिप्लिन इनकल्केट करने की जरूरत है. हमें डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू सुनने की पेशेंस होनी चाहिए. हमें एक सच्ची जिंदगी जीने की आदत होनी चाहिए. हमें हार्डवर्किंग होने की जरूरत है. तो बहुत सारी चीजें उसमें टॉलरेंस है, उसमें पेशेंस है, उसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, उसमें सिविक सेंस है, ये सब चीजें हमें होनी चाहिए. तो जो हमारा एजुकेशन का पर्पस है, वो पर्पस सिर्फ नॉलेज देना और एग्जाम पास करना नहीं, लेकिन उसका पर्पस जो है हमारा एक तो ये कि हम नॉलेज लें, इसलिए लें क्योंकि हम अपने समाज को और अपने प्राकृतिक वातावरण को समझ पाए, उस समाज में प्रोडक्टिव हो पाए, हमारी नौकरी लग पाए, हम एक अच्छी जिंदगी जी पाए. और उसके साथ साथ अच्छी जिंदगी जीने के लिए जरूरी यह है कि हम एक खास तरह के वैल्यू सिस्टम में विश्वास रखना शुरू कर दें. तो ये दो बातें यदि टीचिंग कर पा रही है तो ये टीचिंग जो है इसको हम एज प्रोफेशनल कैपिटल देख सकते हैं. अब दूसरी बात यह कि क्या टीचिंग एक प्रोफेशन है या नहीं, तो हमें यह समझने की जरूरत है ये प्रोफेशन होता क्या है. इसके बारे में मैं एक छोटी सी एक कोट मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं. ये कहते हैं, प्रोफेशंस आर ऑक्यूपेशनली रिलेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस. एक ऐसा ऑक्यूपेशन जिसमें से हमें कुछ पैसा कमाने को मिलता है, और ये सोशल इंस्टीट्यूशन है विच इज एस्टेब्लिश्ड एंड मेंटेन्ड एज ए मींस ऑफ प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज टू द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. तो वो जो ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन जो हमें हेल्प करता है कि हम एक आदमी को, इंडिविजुअल आदमी को और एक सोसाइटी को एसेंशियल सर्विसेज दे पाए. तो एक बात तो बड़ी साफ है कि एजुकेशन जो है, टीचिंग जो है, एक एसेंशियल सर्विस है.
यदि हम एक हम ये कहते हैं कि वी आर ए सोशल एनिमल, तो जब तक हम एजुकेट नहीं होते, जब तक हम हमें पढ़ाया नहीं जाता, और वो पढ़ाना ज्योग्राफी नहीं है, ज्योग्राफी तो एक माध्यम है, अंग्रेजी तो एक माध्यम है कम्युनिकेशन का, जियोलॉजी तो एक माध्यम है वातावरण को समझने का, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात इसमें है वो ये कि हम यू नो उस पढ़ाई के थ्रू एक अच्छी जिंदगी जीने की ये जो शिक्षा है वो दे पाए। तो एक तो ये बात, तो उस क्राइटेरिया पे यस इट सीम्स कि ये एक प्रोफेशन की तरह से डेवलप हो रहा है। इसके बारे में कुछ और बातें हमें समझने की जरूरत है कि इसकी ऐसी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। अलग अलग मॉडल्स दिए, अलग अलग सोच, जो ट्रेडिशनल सोशियोलॉजिस्ट थे उनके लिए एक एक सामाजिक एस्पेक्ट यदि किसी में है, जैसे शुरू में जो प्रोफेशन थे उसमें एक लॉ था, एक मेडिसिन था, और एक दो और जैसे डिविनिटी जैसे एक कुछ कुछ एरिया थे जिनको हम प्रोफेशन की तरह से टेकअप करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आया, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो बहुत सारे पैरामीटर्स बनने शुरू हुए। यदि किसी एक एक्टिविटी में, किसी एक ऑक्यूपेशन में ये काम है, ये काम है, ये काम है, तो इसको हम प्रोफेशन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। बहुत सारे प्रोफेशन आए, जैसे आर्किटेक्चर एक प्रोफेशन की तरह से डेवलप हुआ, जैसे टीचिंग एक प्रोफेशन की तरह से डेवलप हुआ, जैसे फिजिकल एजुकेशन एक यू नो प्रोफेशन की तरह से डेवलप हुआ। तो इस तरह से बहुत सारे जो प्रोफेशन हैं, जो ऑक्यूपेशन है, वो उन्होंने प्रोफेशन की डेफिनेशन के अंदर उन्होंने कहीं ना कहीं उसमें उस कैटेगरी में आने का यू नो कहीं ना कहीं वो हुआ। तो इसमें क्या क्या बातें हैं जो किसी भी एक वोकेशन को प्रोफेशन बना पाती है। जैसे एक जो सभी लोग मानते हैं जिस बात को, वो ये कि कोई भी जो प्रोफेशन होता है उसका एक आइडेंटिफाइबल नॉलेज बेस होता है। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं जो हम जो टीचर एजुकेटर्स हैं उनको समझने की जरूरत है, टीचर एजुकेटर्स को समझने की जरूरत है। और वो क्या है कि जैसे यदि हम टीचिंग की बात करें, तो क्या टीचिंग का अपना एक नॉलेज बेस, आइडेंटिफाइबल नॉलेज बेस है, तो इसको समझने की जरूरत है कैसे। जैसे हम यदि मेडिसिन को हम ये कहते हैं कि एक एस्टेब्लिश्ड यू नो प्रोफेशन है, तो उसका एक आइडेंटिफाइबल नॉलेज बेस है, मीनिंग देयर बाय कि कुछ कंटेंट ऐसा है जिस कंटेंट को पढ़ने के बाद, कुछ नॉलेज, कुछ थ्योरीज, कुछ प्रिंसिपल्स को पढ़ने के बाद हम ह्यूमन बॉडी को समझने लग पड़ते हैं। तो ये एक आइडेंटिफाइबल नॉलेज बेस है। फिर हम ये भी समझने लग पड़ते हैं, ऐसा भी एक सब्सटेंशियल नॉलेज बेस है कि जब हम ये कहते हैं कि यदि ऐसे सिम्टम्स हैं तो इस सॉल्ट की बनी हुई दवा इस प्रॉब्लम को, इस डिजीज को काउंटर कर सकती है। तो ये एस्टेब्लिश्ड नॉलेज बेस है। जब मैं बार बार इस वर्ड को यूज कर रहा हूं, एस्टेब्लिश्ड नॉलेज बेस है, इसका मतलब क्या है कि वो सब चीजें रिसर्च की प्रोसेस से डेवलप्ड हैं। जैसे आज यदि कोविड 19 आया, यदि कोई वायरस आया, तो बहुत सारी रिसर्चेस हो रही हैं, बहुत सारी रिसर्चेस पहले एक लेवल पे हो रही हैं, वो देखते हैं कि इसके क्या सिम्टम्स हैं वायरस के, और उसके बाद उन वायरस के सिम्टम्स के साथ वो देखते हैं कि इनमें से पहले वायरसेस जो थे उनमें क्या क्या कॉमन चीजें थी, पहले की कौन सी दवाइयां थी, उसमें फिर ये नए सिम्टम्स हैं, इन नए सिम्टम्स के बेसिस पे कुछ और चीजें हम ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, मे बी किसी एनिमल बॉडी के ऊपर करेंगे और उसके ऊपर ट्राई आउट करने के बाद फिर हम उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे ह्यूमन बॉडी पे, मे बी यू नो डिजीज बॉडी के ऊपर, और उसका एक्सपेरिमेंटेशन 6-7-8 महीने चलता है। पहले इनोवेट करना कि क्या दवाई हो सकती है, फिर उस दवाई को एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन में टेस्ट करना कि क्या वो दवाई के डिजायरेबल रिजल्ट आ रहे हैं, कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं आ रहे हैं उनके। जब ये प्रोसेस चल रही है तो ये प्रोसेस क्या है, ये रिसर्च की प्रोसेस है, और इस रिसर्च की प्रोसेस का जो आउटकम है वो एक नॉलेज बेस है जो एग्जिस्टिंग नॉलेज में ऐड कर जाएगा कि अभी तक हमें कोरोना 19 से पहले के जो वायरस थे, H1N1 वायरस था, इससे पहले कोरोना वायरस भी था, उन सब के लिए कुछ बातें हमारी एस्टेब्लिश थी, नॉलेज एस्टेब्लिश था, हमारे पास उसके सॉल्यूशंस थे। आज एक नई चीज आई, एक नई सिचुएशन आई, उसको फिर एक्सपेरिमेंट किया गया, उसका सॉल्यूशन निकला, वो जो सॉल्यूशन है वो फिर एक नया रिसर्च आउटपुट है, वो पब्लिश भी होता है।
एक अच्छे जर्नल्स में होता है, उसको साइट भी किया जाता है, उसके ऊपर अलग अलग सिचुएशन में रिसर्च करके उसको वैलिडेट भी किया जाता है। तो मेडिसिन फील्ड लगातार नॉलेज बेस को डेवलप कर रहा है। अब यदि हम टीचिंग को देखें इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या टीचिंग एक प्रोफेशन है? यदि मेरे पास कोई लर्नर आता है या बच्चा आता है जिसके माँ बाप मेरे पास आते हैं, वो ये कहते हैं कि ये बच्चा आठवीं क्लास में पढ़ रहा है या दसवीं क्लास में पढ़ रहा है और इसको ये दिक्कत आ रही है कि जब ये फिजिक्स में मैथमेटिक्स पढ़ता है तो ये मैथमेटिक्स को अप्लाई कर पा रहा है, लेकिन जब वो मैथमेटिक्स पढ़ता है तो वो आधे घंटे के बाद एग्जॉस्ट हो जाता है, क्या करें? अब ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का या तो मेरे पास एग्जिस्टिंग टीचिंग प्रोफेशन की जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, या तो उसमें इसका कोई ना कोई जवाब होना चाहिए। यदि जवाब नहीं है तो मुझे इस पर रिसर्च करनी चाहिए और जो सॉल्यूशन आया उसको डिसेमिनेट करना चाहिए, बुक्स में लिखना चाहिए, जिससे हम ये कहें कि अब ये हमारा आइडेंटिफाइबल नॉलेज बेस है। लेकिन प्रॉब्लम जो टीचिंग प्रोफेशन की है, इसी के कारण हम लोग कई बार ये कहते हैं कि टीचिंग जो है वो एक इवॉल्विंग डिसिप्लिन है, इवॉल्विंग प्रोफेशन है। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा इस तरह का स्ट्रक्चर्ड और बहुत एक्सपेरिमेंटल वर्क बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं कि रिसर्च नहीं हो रही है, रिसर्च एजुकेशन के फील्ड में बहुत हो रही है, लेकिन शायद उतनी स्ट्रिंजेंट नहीं हो रही है, स्ट्रिंजेंट नहीं हो रही है, जहां हम बहुत कैटेगोरिकली बहुत अच्छा नॉलेज बेस डेवलप कर पाए और उस नॉलेज बेस के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाए और उनको एक्सपेरिमेंट करके नई चीजें डेवलप कर पाए। तो ये जो आस्पेक्ट है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि ऐसा नहीं कि हम लोग कैसे पढ़ाएं और हमारी पढ़ाई लिखाई किस तरह से इफेक्टिव हुई इसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई। 1950s से लगातार कभी ऑडियो विजुअल एड्स की इफेक्टिवनेस, कभी सिस्टम्स अप्रोच की इफेक्टिवनेस, कभी यू नो से प्रोग्राम लर्निंग की इफेक्टिवनेस, कभी आईसीटी की इफेक्टिवनेस, इसके ऊपर लगातार काम चलता आ रहा है। और तब तक हम बहुत इफेक्टिवली ये बात नहीं कह पा रहे थे, जो हमारी रिसर्चेस के रिजल्ट्स थे वो लगातार ये कह रहे थे जब हम विजुअल्स दिखाते हैं बच्चों को तो बच्चे बेटर परफॉर्म करते हैं। हम तब तक ये बहुत मजबूती से बात नहीं कह पा रहे थे जब तक न्यूरोलॉजिकल रिसर्चेस नहीं हुई और न्यूरोलॉजिकल रिसर्चेस में ये बात नहीं आई कि यू नो कि जो जो विजुअल है, विजुअल कंट्रीब्यूट्स टू अराउंड अराउंड से 86% ऑफ ह्यूमन लर्निंग, 12-13% ह्यूमन लर्निंग इज बिकॉज ऑफ लिसनिंग एंड 3-5% ऑफ ह्यूमन लर्निंग इज बिकॉज ऑफ स्मेल, टेस्ट एंड टच। नाउ दीज आर द ओनली 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज। अब जब तक न्यूरोलॉजिकल रिसर्चेस ने ये प्रूव नहीं किया कि जो 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 विजुअल है वो 86% ऑफ ह्यूमन लर्निंग को कंट्रीब्यूट करता है, 10-12% लिसनिंग करता है और बाकी 2-3% जो है वो 2-3 सोर्सेज और हैं वो नहीं करती, तब तक हम बहुत कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह पा रहे थे कि जो ऑडियो विजुअल्स हैं वो इफेक्टिव लर्निंग को इंड्यूस करते हैं। तो ये जो विश्वास था हमारी अपनी रिसर्च में, ऐसे ही बहुत सारे टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, और उन टेस्ट में को हम कैसे यूज कर रहे हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि यदि सिलेबस में ये आ जाता है कि हमने 3 टेस्ट जो हैं वो बच्चों को करने सिखाने हैं, तो वो 3 टेस्ट की थ्योरी और कुछ थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल, जो अच्छे टीचर्स हैं वो प्रैक्टिकल भी करा देते हैं लैब में, साइकिल लैब में बैठा के, और उसको इंटरप्रेट करना भी सिखा देते हैं, लेकिन क्या उन टेस्ट को कैटेगराइज करके सिस्टमेटिकली हम एज टीचर एजुकेटर्स जिन्होंने टीचर्स को प्रोड्यूस किया, टीचर एजुकेशन दी, और उन टीचर्स को वो सब कुछ आना चाहिए जब वो स्कूल में होते हैं, तो क्या वो प्लस टू में या टेंथ के बाद हर बच्चे की साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट सबको आता है, सबको पता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो कितने टीचर्स, स्कूल टीचर्स अपने 10th क्लास के बच्चों को एप्टीट्यूड टेस्ट कराते हैं और कराने के बाद उनको सजेस्ट करते हैं कि यदि आप इन स्ट्रीम्स में जाओगे तो आप बेटर परफॉर्म करोगे, इन स्ट्रीम्स में जाओगे तो आप बेटर और इफेक्टिवली और एंजॉय करेंगे पढ़ना। लेकिन होता क्या है कि एक मैड रेस है, बिकॉज वी डोंट कंसिडर इट टू बी अ वेरी साइंटिफिक एक्टिविटी, वी डोंट बिलीव इन दैट, वी जस्ट से दैट दे आर अवेलेबल, टेस्ट आर अवेलेबल, बट वी डोंट मेक यूज ऑफ देम फॉर मेकिंग आवर सिस्टम इफेक्टिव।
सो जरूरत यहां अब ये समझने की है कि यू नो यदि हम ये कहें कि लीडरशिप कौन सी इफेक्टिव है, तो उस पर बहुत सारी रिसर्च हुई है. आईसीटी वेबक्वेस कितना इफेक्टिव है, यू नो फ्लिप लर्निंग कितनी इफेक्टिव है, ब्लेंडेड लर्निंग कितनी इफेक्टिव है, ब्लेंडेड लर्निंग के कौन कौन से मोड्स किस तरह के लर्नर्स के साथ ज्यादा इफेक्टिव है, कितने डाइवर्स तरह के लर्नर्स हैं, कितनी तरह की लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, किस लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या इंटरवेंशन हो सकती हैं, एक एक जनरल क्लासरूम टीचिंग को हम कितना इफेक्टिव बनाएं और या इफेक्टिव बनाएं तो कैसे बनाएं, उसके लिए मॉडल्स हैं. यदि हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ाना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से पढ़ाएं, उसके ऊपर रिसर्च बेस्ड है. यदि हम चाहते हैं कि बच्चे इंक्वायर करें तो इंक्वायर कैसे किया जाता है, उसको उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है, उसकी इफेक्टिवनेस पर बहुत सारी रिसर्च हुई है, उसकी कंपाइलेशंस हैं. तो जब मैं ये कह रहा हूं कि यहां लूजली कपल्ड नॉलेज बेस है, तो इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि हमारे पास नॉलेज बेस नहीं है, बहुत सारा नॉलेज बेस है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि कंसिस्टेंटली हम उस नॉलेज बेस को बहुत इफेक्टिवली बच्चों तक कम्युनिकेट करें, मतलब अपने बच्चों तक. मतलब जब मैं अपने बच्चे कह रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि टीचर्स को, जिनको हम टीचर एजुकेशन देते हैं, उनको हम इतना कॉम्पिटेंट बनाएं कि वो उन सब स्ट्रेटेजीज में प्रोफिशियंट हों, वो लर्नर्स को आइडेंटिफाई करने में प्रोफिशियंट हों. जब उन्हें कोई दिक्कत आ रही है किसी किसी बच्चे के साथ या किसी क्लास के साथ, तो वो रैंडमली डिसीजंस ना लें, वो किताबों को पढ़ के जो रिसर्चेस हो रखी हैं और जो रिसर्चेस कह रही हैं, उन रिसर्चेस के सॉल्यूशंस के बेसिस पे डिसीजंस लें, तो हम ये कह पाएंगे कि हमारा एक आइडेंटिफाइबल नॉलेज बेस है. और उसके लिए एक बड़ी जरूरत है, जो जो टीचर एजुकेटर्स हैं उनको समझने की जरूरत है, और जो टीचर एजुकेशन में काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनकी बहुत जरूरत है कि जो लोग भी रिसर्च कर रहे हैं उनको रिसर्च को एक बहुत सीरियस एक्टिविटी की तरह से लेना चाहिए, और इस तरह से लेना चाहिए कि लगातार जो भी मैं रिसर्च कर रहा हूं उस रिसर्च को मैं इतने अच्छे तरीके से करूं कि जो उसकी फाइंडिंग्स हो उनको मैं बहुत अच्छे से डिसेमिनेट कर पाऊं, और उसको बहुत अच्छे से पहली नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के साथ, जो पहली नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसके साथ रिलेट करके एडिशनल नॉलेज को जस्टिफाई करके किताबों में या रिसर्च जर्नल्स में छाप सकूं, जिससे कि कंटिन्यूअसली नॉलेज बेस जो है टीचर एजुकेशन का वो डेवलप होता चला जाए. और यही मैनेजमेंट के फील्ड के लोगों ने किया. आज मतलब जब मैनेजमेंट का फील्ड शुरू हुआ तो उनकी बहुत सारी डिपेंडेंस साइकोलॉजी के ऊपर थी, लेकिन आज उनकी डिपेंडेंस ना साइकोलॉजी के ऊपर है, ना फिलोसफी के ऊपर है, ना सोशियोलॉजी के ऊपर है. आज उनकी डिपेंडेंस अपने खुद के रिसर्चर्स के ऊपर है. दे आर डेवलपिंग देयर ओन नॉलेज बेस एंड दे आर लीडिंग इन दैट. एंड दैट इज वाई जब कोई किसी इंडस्ट्री में, किसी कॉर्पोरेट में कोई दिक्कत आती है, तो मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुला के उनको कहा जाता है कि आप आइए और हमारी ये जो दिक्कतें हैं, हमारा लेबर मैनेजमेंट नहीं हो रहा, हमारा प्रोडक्टिविटी यू नो एफिशिएंटली डेवलप नहीं हो रही है, हमारे यू नो जो वर्कर्स हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स है, हमारे वर्कर्स जो है वो टीम बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं उनमें कोऑपरेशन की कमी है. और मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स वहां जाते हैं और उन स्पेसिफाइड प्रॉब्लम्स को टेक्निकल और साइंटिफिकली प्रूवन तरीकों को यूज करके और वो उनको 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 उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं और इंश्योर करके आते हैं कि उनका उनकी कंपनी के जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो जाएं. हमारे यहाँ एजुकेशन में कितने ऐसे लोग हैं जिनको यदि कोई स्कूल डूब रहा हो, यदि कोई स्कूल डूब रहा हो तो उस स्कूल में एक एजुकेशन एक्सपर्ट जाए और उन सब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके. यदि हमें लगे कि ये जो बहुत सारे बच्चे हैं इनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, तो उनको एक एक्सपर्ट एडवाइस के लिए, और नॉट ओनली एडवाइस के लिए, एडवाइस करना तो आसान है, लेकिन एक आदमी को अपॉइंट किया किसी एक खास काम के लिए, और वो जब काम के लिए उसने कहा कि ये सॉल्यूशंस हैं, तो वो कहते हैं कि आइए हम आपको इतना पैसा देंगे और इस प्रॉब्लम को हमारे स्कूल से जड़ से खत्म कर दीजिए. और यदि वो आदमी 5 महीने में वहां जाके जो उसने एडवाइस किया था उसको इंप्लीमेंट करके उस संस्था में जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे निपटारा कर पाता है, तो एक अच्छा कंसल्टेंट है. इट मींस हम
ने अपने फील्ड में जो नॉलेज डेवलप की, वो नॉलेज जो थी वो बहुत ऑथेंटिक थी, उसको हम प्रूव कर रहे हैं बाई प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटिंग दैट। ये एक बात है। दूसरी बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो 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 किसी भी प्रोफेशन की जरूरत है, और किसी भी एक्टिविटी, वोकेशनल एक्टिविटी को हम प्रोफेशन तभी कर पाते हैं यदि उस प्रोफेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनको ऑटोनॉमी है इन द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब प्रोफेशनल को ऑथोरिटी हो, उसको ये राइट मिला हो, उसको ये फ्रीडम हो कि वो प्रोफेशनल जजमेंट कर पाए। बहुत बार ये दिक्कत आती है कि जब टीचर से बात करो कि ऐसी दिक्कतें हैं, तो वो कहते हैं जी हमारे तो हाथ में कुछ नहीं है, हमें तो ऊपर से सिलेबस दिया जाता है हम पढ़ाते हैं, हमें तो ऊपर से कहा जाता है एग्जाम ऐसे लेना है हम करते हैं, हमें तो ऊपर से कहा जाता है कि इस तरह से पढ़ाना है, हम इसे चेक करेंगे तो हम वैसे पढ़ा देते हैं, तो हम कहां डिसीजन ले पा रहे हैं, तो हम फ्रीडम, हमें कहां फ्रीडम मिल रही है। एक बात समझने की है, यदि हम चाहते हैं कि टीचिंग एक बहुत एस्टेब्लिश्ड प्रोफेशन की तरह से डेवलप हो, तो हमें फ्रीडम लेनी पड़ेगी। लेकिन एक बात समझने की कोशिश कीजिए, आप सभी लोग जो 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 टीचर एजुकेशन से जुड़े हैं, जो टीचर एजुकेटर्स हैं, और मैं नो अलग अलग पोजीशंस पे हैं, कुछ लोग सीनियर पोजीशंस पे भी होंगे, कुछ लोग जूनियर पोजीशंस पे भी होंगे, टीचिंग एक ऐसा ऐसा फील्ड है जहां कोई आपकी डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर नहीं कर सकता। एज ए टीचर मुझे ये तो कहा जा सकता है कि ये सिलेबस आपने पूरा करना है, लेकिन जब मैं क्लास में जाता हूं तो मैं टोटली फ्री हूं, कोई प्रिंसिपल, कोई वाइस चांसलर, कोई एचओडी मेरी क्लास में आके नहीं बैठता हूं, मुझे ये नहीं बताता कि ऐसे पढ़ाना है। वो कब बोलेगा? सपोज मैंने एक साल क्लास पढ़ाई और एक साल क्लास पढ़ाने के बाद बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, तो हर आदमी आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएगा, इसका मतलब आपने ठीक से नहीं पढ़ाया, इसका मतलब जो कुछ भी आप क्लास में कर रहे थे, जो डिसीजंस आप क्लास में ले रहे थे, वो आपके ठीक नहीं थे। और यदि आप में वो कॉम्पिटेंस नहीं है कि आप ठीक डिसीजंस ले पाए, तो दूसरा आदमी आपको कंट्रोल करेगा। लेकिन यदि आप किसी भी तरीके से पढ़ा रहे हैं लेकिन आपकी परफॉर्मेंस क्लास में बहुत अच्छी है, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, और रिजल्ट के साथ साथ आपके बच्चे बहुत इनोवेटिव हैं, बहुत ऑब्जेक्टिव बनते जा रहे हैं, साइंटिफिक टेंपर भी डेवलप होता जा रहा है, वो रेस्पेक्टिंग भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर को और क्या चाहिए। आपने एक कंटेंट को एक महीने में पढ़ा दिया लेकिन उसके नंबर आ रहे हैं, दूसरे कंटेंट को आपने 6 महीने में कवर किया, अब ये तो आपकी कॉम्पिटेंस है, आपके डिसीजन है, लेकिन यदि एक कंटेंट को आपने 3 दिन में कवर किया और दूसरे को आपने 20 दिन में कवर किया और तीसरे को आपने 2 महीने लगाए और उसके बाद बच्चे की परफॉर्मेंस कम आ गई, इसका मतलब ये जो जिस तरीके से आपने पढ़ाया, जो डिसीजन आपने लिए, आपके डिसीजंस गलत थे। मैं आपको एक बात बताता हूं कि मैं इनिशियल ईयर्स में जब मैंने टीचर एजुकेशन में एंटर किया तो टीचिंग सब्जेक्ट पढ़ाया करता था, एक ही साल मैंने टीचिंग सब्जेक्ट पढ़ाया सोशल साइंसेस का, और कैन यू बिलीव यू नो एक साल का टेन्योर होता था, उसमें 8 महीने की प्रैक्टिकली क्लासेस होती थी, अराउंड 5 महीने के आसपास मैं सिर्फ एक टॉपिक पढ़ाता था, वो था लेसन प्लानिंग, और बाकी सारे जो टॉपिक्स थे जो 8 या 10 और यूनिट्स और होती थी, उन सब पे एक एक दो दो तीन तीन लेक्चर्स लेके काम खत्म कर देता, सिलेबस कंप्लीट हो जाता था, और किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने मुझे कभी इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चों की परफॉर्मेंस एग्जाम में कम आई हो। रीजन क्या था कि जब मैं लेसन प्लानिंग के अलग अलग स्टेप्स कर रहा हूं, तो यदि आप कोई भी पेडागोजी का सब्जेक्ट लें तो उस पेडागोजी के सब्जेक्ट में लेसन प्लानिंग के सारे सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, लाइक यू नो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स उसमें होते हैं, उसमें पीके टेस्टिंग उसमें होती है, अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक उसमें होता है, उसमें डिफरेंट स्ट्रेटेजी, जब आप इंस्ट्रक्शनल प्लान करते हो, प्रेजेंटेशन करते हो, वो सारे में जितने भी टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग है वो सारे सारे उसमें आते हैं, इवैल्यूएशन उसकी जब क्वेश्चंस डिजाइन करते हो तो इवैल्यूएशन के इश्यूज उसमें आते हैं, और यदि आप ये सारा कुछ कर रहे हो, आप लेसन प्लानिंग में वैल्यू ऑब्जेक्टिव्स भी बना रहे हो, उसमें आप जनरल ऑब्जेक्टिव्स, ईयर वाइज ऑब्जेक्टिव्स भी बना रहे हो, आप यूनिट ऑब्जेक्टिव्स को भी एक प्लेस दे रहे हो, फिर आप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स भी स्पेसिफाई कर रहे हो पर पीरियड,
तो जब एक एक चीज को आप इस तरह से ब्लैकबोर्ड में बैठ के लिख के करेक्ट कर रहे हो, बच्चों से बनवा रहे हो, और इस काम में आपने 6 महीने लगा दिए, और 6 महीने के बाद जब आपने उन टॉपिक्स को इंडिविजुअली लिया, तो 3 महीने में वो सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी थी। अब ये मेरा अपना डिसीजन है कि मुझे कैसे पढ़ाना है, मैंने पढ़ाया। लेकिन यदि मेरा ये डिसीजन गलत हो गया कि मैंने इस तरीके से पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद बच्चे फेल होने शुरू हो गए, तो अब मैंने अपने प्रिंसिपल को ये राइट दे दिया कि वो मेरी टीचिंग लर्निंग के डिसीजंस में इंटरफेयर करे। तो एक बात जब हम ये कहते हैं कि जो प्रोफेशनल एक्टिविटी है, वो किसी भी डिसिप्लिन को यदि हम कहते हैं कि प्रोफेशन है, इसका मतलब उसके जो उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको ऑटोनॉमी होनी चाहिए टू टेक डिसीजंस ऑन प्रोफेशनल इश्यूज। और ये ऑटोनॉमी से कम मिलती है। कोई भी, याद रखिए, कोई भी आदमी आपको कभी भी कोई फ्रीडम देने में इंटरेस्टेड नहीं होता। आपको फ्रीडम डिजर्व करनी पड़ती है। और जब मैं कह रहा हूं फ्रीडम डिजर्व करनी पड़ती है, इट मींस आपको अलग अलग मेथड्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको उसकी कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। यदि कोई आदमी आपको कहता है कि आप एक लेसन प्लान बनाओ ब्लेजर मॉडल के ऊपर एक जनरल टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, तो आपको बनानी आती है। यदि आपको कोई कहता है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाओ, तो आपको आते हैं। यदि कोई आपको कहता है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पूरे करिकुलम के बनाओ, लर्निंग आउटकम्स पूरे करिकुलम के बनाओ, तो आपको बनाने आते हैं। यदि कोई आपको कहता है कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के ऊपर आप प्लान बनाइए, तो आपको बनानी आती है। यदि कोई आपको कहता है कि वैल्यूज डेवलप करने के लिए वैल्यू बेस्ड लेसन प्लान बनाओ, तो आपको आती है। यदि कोई आपको कहता है कि आप ब्लेंडेड लर्निंग में पढ़ा के दिखाइए, तो आपको ब्लेंडेड लर्निंग के डिफरेंट मोड्स आते हैं, और डिफरेंट मोड्स में किस तरह से टीचर को फैसिलिटेट करना है वो आपको आता है। यदि कोई आदमी आपको कहता है कि आप कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज को यूज करो इन फ्लिप मोड, तो आप कोऑपरेटिव लर्निंग डिफरेंट कोऑपरेटिव लर्निंग्स को ऑर्गेनाइज करने में आपकी कॉम्पिटेंस है। यदि कोई आपको कहता है कि आप एक वीडियो बना दीजिए लूम के ऊपर या प्रेजेंटेशन ट्यूब के ऊपर या किसी और सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो वो आपको करना आता है। यदि आपको कोई ये कहता है कि यूट्यूब पे ये 25 मिनट की वीडियो है लेकिन इसमें 5 मिनट आपके काम का है, तो मैं उस 5 मिनट के को क्यूरेट कर सकता हूं कि वो 25 मिनट में से मैंने 5 मिनट की निकाल के बच्चों को दिखा दी, ये कॉम्पिटेंस मुझ में है। कोई मुझे कहता है कि आप डिजिटल स्टोरी बोर्ड बनाइए, तो वो कॉम्पिटेंस मुझ में है। कोई आपको कहता है कि एमसीक्यू बनाइए, तो आपको आते हैं। यदि कोई कहता है कि आपको कि एप्लीकेशन डायमेंशन के एमसीक्यूज बनाइए या क्रिएशन डायमेंशन के आप एमसीक्यूज बनाइए, तो मुझे आते हैं। यदि कोई मुझे कहता है कि रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस बना के दिखाइए, तो वो मुझे आते हैं। यदि मुझे ऐसा करना आता है, यदि मुझे करिकुलम डिजाइन के डिफरेंट मॉडल्स मालूम है और मुझे पता है कि ये टीचर एजुकेशन एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है, तो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज के लिए करिकुलम को कैसे डिजाइन करना चाहिए, किस तरह से हम अलग अलग फील्ड्स की नॉलेज को इंटीग्रेट करें फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग माई सब्जेक्ट इफेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट, यदि मुझे ये करना आता है, तो जब बोर्ड ऑफ स्टडीज की मीटिंग होती है और यदि मैं कोई बात कहूंगा, तो मेरी बात इनिशियली हो सकता है कोई आदमी काउंटर करे, लेकिन धीरे धीरे जब मैं उसको जस्टिफाई करता जा रहा हूं, तो पीपल विल लिसन टू मी। लेकिन यदि आप तैयार होके नहीं गए करिकुलम की मीटिंग में, तो आपको फट से कोई आदमी निगेट कर देगा और आपकी बात नहीं सुनेगा। लेकिन यदि आपके पास कॉम्पिटेंस है अपने आर्ग्यूमेंट्स को बहुत देर तक सस्टेन करने की, तो शायद लोग आपकी बात सुनेंगे। तो मेरा कहने का मतलब कि दूसरा एस्पेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी ऑक्यूपेशन को, ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी को प्रोफेशन में कन्वर्ट करने का, तो ये कि जो प्रोफेशनल उसके अंदर हैं, जो लोग उस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, जो जिनको हम प्रोफेशनल कहते हैं, उनको ऑटोनॉमी होनी चाहिए फॉर टेकिंग प्रोफेशनल जजमेंट्स, और उसकी प्रीरिक्विजिट है कि वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए। और तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो शुरू से प्रोफेशन के साथ जुड़ी हुई है, दैट इज सर्विस अबाउट पर्सनल गेन एज ए प्राइमरी मोटिवेशन। मैं यदि हर काम करने से पहले यह सोचूं कि इस काम में से मुझे कितना पैसा मिलेगा, तो मेरा जो प्राइमरी गेन है वो मेरा पर्सनल गेन है, मेरा पहला जो इंटरेस्ट है वो मेरा पर्सनल है। लेकिन जब भी मैं कोई एक्टिविटी कर रहा हूं और उस एक्टिविटी में जो प्राइमरी मोटिवेशन है मेरा, वो एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है। यहां मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा।
जो मैं बहुत प्लेटफॉर्म्स में जब मैं अपने लेक्चर्स वगैरह देता हूँ, खास करके प्रोफेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड लेक्चर्स वगैरह, तो वहां मैं ये बात सुनाता हूँ प्रोफेशनल्स को, टीचर्स को जो प्रोफेशनल्स हैं, वो ये कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक, यहां जब हम कह रहे हैं कि हम सर्विस अबाउट पर्सनल गेन, तो जो बाहरी बेनिफिट्स हैं वो हमें मोटिवेट नहीं करते, जो अंदर की भावनाएं हैं वो मुझे ज्यादा मोटिवेट करती है, ये बात ये कहने की कोशिश कर रहा है। और जो भी प्रोफेशन होता है उसमें प्रोफेशनल्स हैव टू वर्क फॉर अबाउ द पर्सनल गेन्स एज ए प्राइमरी मोटिवेशन। तो मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा किस्सा शेयर करता हूं। एक नदी के ऊपर एक पुल बन रहा था, ध्यान से सुनिएगा, नदी के ऊपर एक पुल बन रहा था और उस पुल को बनाने के लिए बहुत सारे जो जो बहुत सारे जो लोग थे वो मजदूर जो थे वो यू नो काम कर रहे थे, पत्थर तोड़ रहे थे। तो उधर से कोई एक समझदार आदमी निकला और उसने कहा कि भाई कोई एक आदमी, एक मजदूर जो था बड़ा दुखी सा था, और जब वो दुखी सा था तो बहुत, जब वो पत्थर को, पत्थर पे हथौड़ी मार रहा था तो 10 बार हथौड़ी मारता था तो उस पत्थर के 2 टुकड़े होते थे और बहुत दुखी नजर आ रहा था। तो उसने पूछा भाई क्या कर रहे हो, तो उसने जवाब नहीं दिया, उसने दूसरी बार उसका कंधा ऐसे हिलाया, उसने कहा भाई क्या कर रहे हो, तो वो खींच के बोला उसको, बहुत दुखी सा बोला कि करना क्या है, यू नो घर पे एक मां पत्नी है, 4 बच्चे हैं जिनको खाना चाहिए, मजदूरी कर रहा हूं, शाम तक काम करूंगा तो इतने पैसे मिलेंगे, तो दवाई लेके जाऊंगा, कुछ खाना लेके जाऊंगा, और क्या कर रहा हूं, गुजारा कर रहा हूं अपना। वो उसकी बात सुनकर थोड़ा सा और आगे चला जाता है और वहां उसने देखा कि एक आदमी रिलेटिवली खुश है और एक हथौड़ी मारता है पत्थर के ऊपर तो पत्थर के 3-4 टुकड़े हो जाते हैं और मारता जा रहा है और खुश है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और जब वो उससे कहता है भाई क्या कर रहे हो, कहते जी करना क्या है, बड़ी मुश्किल थी लोगों को, उधर से ट्रक आता था उसमें सामान नाव में डाला जाता था, नाव धीरे धीरे दूसरे किनारे तक जाती थी, दूसरे किनारे पे जब पहुंच जाती थी नाव में से फिर से सामान निकालते थे, फिर दूसरे ट्रक में भरते थे, तो पुल बना रहे हैं, लोगों को सहूलियत हो जाएगी। अच्छा, वो कहते ठीक है, थोड़ा सा और आगे जाता है तो वहां देखता है कि एक आदमी जोर जोर से पत्थर पे हथौड़ा मार रहा है और इतनी जोर की मार रहा है कि जब एक बार मारता है तो 10 टुकड़े 15 टुकड़े हो जाते हैं पत्थर के, और मारता जा रहा है, पसीनो पसीनो रखा है, फेस ये जो माथा है वो शाइन कर रहा है और फेस के ऊपर एक स्माइल अलग तरह की, जो आनंद की जो जो एक स्माइल होती है जब आदमी आनंद की यू नो स्थिति में होता है, खुश प्रसन्न अपने आप से बिल्कुल अलग। तो उससे वो पूछता है, पहले पूछता है भाई क्या हुआ, देखता ही नहीं है उसकी तरफ, वो दूसरी बार उससे कहता है भाई क्या कर रहे हो, कहता है करना क्या है, देश के निर्माण में योगदान दे रहा हूं। समझने की बात है कि पहला सिर्फ एक छोटा सा काम कर रहा था कि उससे अपनी पत्नी का और अपने बच्चे का ख्याल था, वो उससे ऊपर नहीं सोच पा रहा था। उसका प्राइमरी मोटिवेशन क्या था, उसका प्राइमरी मोटिवेशन एक्सटर्नल था, छोटा था, सीमित था। तो क्या कर रहा था, 10 बार हथौड़ी मारता था तो पत्थर के 2 टुकड़े होते थे और दुखी था। आज के इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में यदि आप देखो तो जो इफेक्टिवनेस है वो 2 ही तरह से मेजर की जाती है। एक मेजरमेंट का तरीका क्या है कि किसी भी काम करने में आप कितने खुश हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन, और दूसरा प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, कि यदि आप बेटर प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप अच्छे वर्कर हो, आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हो तो आप बेटर वर्कर हो, आपकी प्रमोशंस फटाफट होती हैं। लेकिन यदि आप दुखी हो और दूसरों में भी दुखी दुख जो है वो ट्रांसफर कर रहे हो और आपकी प्रोडक्टिविटी भी खराब है तो जल्दी आपको वहां से निकाल देते हैं। तो ये पहला आदमी था, इसके चांसेस हैं कि ये जल्दी इसकी नौकरी से हाथ धोना पड़े। क्यों, क्योंकि एक बड़े सीमित ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रहा है, प्राइमरी मोटिवेशन जो है वो अंदर की नहीं है, बड़ी नहीं है, छोटी सी है, पत्नी के लिए और बच्चे के लिए काम कर रहा है, दुखी भी है, प्रोडक्टिविटी भी कम है। दूसरा आदमी सोशल वेलफेयर की बात कर रहा है, वो खुश भी है थोड़ा सा ज्यादा और प्रोडक्टिव उससे बेटर है, सस्टेन कर रहा है अपने आप को, जॉब में काफी देर तक रहेगा। और तीसरा आदमी वो सोच ही बहुत ऑब्जेक्टिव, मतलब बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव के लिए सोच रहा है, देश के उत्थान की बात कर रहा है वो,
तो वो जो देश का उत्थान के बारे में जब वो काम बात कर रहा है तो उसका जो प्राइमरी मोटिवेशन है बड़ा इंटरनल है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। अब देखिए कि पहले को भी 150 रुपए दिहाड़ी मिल रही है, दूसरे को भी 150 दिहाड़ी मिल रही है और तीसरे को भी 150 रुपए दिहाड़ी मिल रही है। तीनों एक ही काम कर रहे हैं लेकिन अलग अलग सोच के साथ कर रहे हैं, उनका जो मोटिवेशन है वो अलग अलग है। उस अलग अलग मोटिवेशन होने के कारण जॉब सेटिस्फेक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों में कितना फर्क आ रहा है। तो जो प्रोफेशनल है उसका जो प्राइमरी मोटिवेशन है वो इंट्रिंसिक है। और चौथी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो जो प्रोफेशन है उसमें कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है। टीचर एजुकेशन के लोग हैं, उन लोगों के लिए वो एक बहुत बड़ा दिन था जब 1996 में एनसीटीए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी, 95 में ये पास हुआ और 96 से इंप्लीमेंट हुआ। तो आप देखिए कि इस ये कितनी बड़ी बात थी टीचर एजुकेशन के लिए, क्योंकि जब भी कोई प्रोफेशन है तो उसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल होती है जो उसके नॉर्म्स डिसाइड करती है, जो कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करती है, जो उनकी लाइसेंसिंग करती है। ये कुछ पैरामीटर्स हैं, ये सब वो बातें कर रहा हूं मैं जो किसी भी प्रोफेशन, किसी भी ऑक्यूपेशन को एक प्रोफेशनल एक्टिविटी बनाते हैं। तो जब एनसीटी आई तो वहां सर्टिफिकेशन की बात जो हम अब बहुत स्ट्रिक्टली अभी इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, अभी शायद एनसीटी सोच रही है कि कहीं ना कहीं हम उसे ऑनलाइन लेके आए, रजिस्ट्रेशन करें लोगों की और धीरे धीरे वो लाइसेंसिंग पे भी आएंगे, क्योंकि बहुत सारी गड़बड़ियां होनी शुरू हो गई कि हम लोगों ने एक एक जगह पांच पांच छह लोगों के नाम देने शुरू कर दिए। तो वो बात, और यही नहीं, आप देखिए जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया है या वो दैट मैटर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है या डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है या यू नो फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, जब भी कोई आदमी कोई अनएथिकल प्रैक्टिसेस करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाता है। ऐसे ही जब कोई टीचर कोई कोड ऑफ एथिक्स ब्रेक करता हुआ मिले तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो, ये अथॉरिटी काउंसिल के पास हो। अब यहां थोड़ा सा जो एक इश्यू आप लोगों के समझने का है, शायद गवर्नमेंट को भी इस बात के बारे में सोचने की जरूरत है, वो ये कि एनसीटीई बनी लेकिन एनसीटीई एक सीमित दायरे में आई, क्योंकि कहीं हमारे पास एक और ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज यूजीसी। यूजीसी हायर एजुकेशन को डील कर रही है, तो जितने भी टीचर्स हायर एजुकेशन में आ रहे हैं वो यूजीसी नॉर्म्स के साथ आ रहे हैं। और लास्ट जो 2016 में आपका पे कमीशन आया, 2006 में भी जो आया, 2006 में भी जो आया, उस के जो रेगुलेशंस को यदि आप पढ़ोगे तो एक बड़ी रिमार्केबल चीज जो पहले नहीं होती थी उनकी नॉर्म्स में वो ये थी कि वहां कोड ऑफ एथिक्स कि टीचर टीचर के साथ कैसे बिहेव करेगा, वाइस चांसलर या प्रिंसिपल टीचर के साथ कैसे बिहेव करेगा, टीचर स्टूडेंट्स के साथ कैसे बिहेव करेगा, टीचर सपोर्ट स्टाफ के साथ कैसे बिहेव करेगा, उसके पैरामीटर्स यूजीसी ने फॉर द फर्स्ट टाइम दिए 2006 में। ऐसे एनसीटी ने कोड ऑफ एथिक्स टीचर्स के लिए दिया और वो कोड ऑफ एथिक्स जो है वो स्कूल टीचर्स के लिए और टीचर एजुकेटर्स के लिए है। तो जब हम ये कहते हैं कि एलिजियंस टू कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स, तो दे हैज एवरी प्रोफेशन हैड इट्स ओन प्रोफेशनल काउंसिल, जो ये डिसाइड करती है कि उस प्रोफेशनल काउंसिल या उस प्रोफेशन में जो कंटेंट है वो कैसा है, उसमें क्या क्या कॉम्पिटेंसीज हैं, क्या क्या कॉम्पिटेंसीज उसके प्रोफेशनल्स को चाहिए, उसके लिए क्या करिकुलम होना चाहिए, जब वो सर्टिफाइड टीचर बन जाएं तो उनकी सर्टिफिकेशन हो, उनकी रजिस्ट्रेशन हो, उसके बाद जब वो काम करें उस काम करने की प्रक्रिया में यदि कुछ ऐसा वो करते हैं जो अनएथिकल है तो उनके लाइसेंस कैंसिल हो। यदि कोई ऐसा कोड ऑफ एथिक्स है किसी एक एक्टिविटी में तो वो एक प्रोफेशन है। तो आप देखेंगे कि यदि हम प्रोफेशन की बात करें तो तीन चार बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक ये कि किसी भी एक्टिविटी में, मतलब किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी को यदि हम कहते हैं कि प्रोफेशन है तो हम ये कहेंगे कि उसका एक सब्जेक्ट नॉलेज बेस हो, सब्जेक्ट नॉलेज बेस हो कि जहां यदि हमें कोई प्रॉब्लम हो तो उसका सोल्यूशन उस
उस सब्जेक्ट के नॉलेज बेस में हूँ। यदि कोई कोई डॉक्टर को कोई बात समझ नहीं आती है, कुछ सिम्टम्स नहीं समझ आते हैं, तो उसके पास बहुत सारी किताबें हैं, उन किताबों में वो थ्योरीज, प्रिंसिपल्स, फैक्ट्स हैं जो उस बीमारी से रिलेटेड हैं। तो वो उन किताबों से, उस नॉलेज बेस से कहीं ना कहीं कुछ सोल्यूशंस निकालने की कोशिश करता है, कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की जरूरत को करता है। तो ये एक एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो 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 हमें समझने की जरूरत है, तो वो होना। और दूसरी बात, उस प्रोफेशन में एक्सरसाइज करने के लिए, उस प्रोफेशन में काम करने के लिए जिन कॉम्पिटेंसीज की हमें जरूरत है, आप लोगों को, जो लोग खास करके टीचर एजुकेशन के लोग हैं, उन लोगों को एक डॉक्यूमेंट के बारे में बड़ा अच्छे से पता होगा जो एनसीटी ने रिलीज किया, कॉम्पिटेंसी एंड कमिटमेंट ओरिएंटेड टीचर एजुकेशन, कॉम्पिटेंसी एंड कमिटमेंट ओरिएंटेड टीचर एजुकेशन, जिसमें उन्होंने कहा कि टीचर किन किन चीजों के लिए कमिट हो। टीचर कमिट हो अपने सब्जेक्ट के लिए, टीचर कमिट हो अपने प्रोफेशन के लिए, टीचर कमिट हो अपनी सोसाइटी के लिए, टीचर कमिट हो एक्सेलेंस के लिए, टीचर कमिट हो वैल्यूज के लिए। तो ये कमिटमेंट एरियाज दिए, ऐसे उन्होंने कंटेंट कॉम्पिटेंसीज दी, उन्होंने उन्होंने ट्रांजैक्शन कॉम्पिटेंसीज दी, उन्होंने इवैल्यूएशन कॉम्पिटेंसीज दी। तो उन्होंने बहुत सारी कॉम्पिटेंसीज को लिस्ट किया कि यदि आप चाहते हो कि टीचर एज प्रोफेशनल डेवलप हो, तो उसमें ये कमिटमेंट होने चाहिए, उसमें ये कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, और उनको ये कॉन्टेंट आना चाहिए। तो तीन तरह की चीजें एक प्रोफेशनल टीचर में होनी चाहिए। एक, उसको कंटेंट की समझ होनी चाहिए, उसको पेडागोजिकल कंटेंट की समझ होनी चाहिए, उसको करिकुलर नॉलेज होनी चाहिए। ये तीन एरियाज यदि आपको आते हैं, तो आप एज जिसको मैं कह रहा हूं कि आइडेंटिफाइबल नॉलेज बेस। तो आइडेंटिफाइबल नॉलेज बेस क्या है कि यदि मैं ज्योग्राफी का टीचर हूं, तो मुझे ज्योग्राफी का कॉन्टेंट आना चाहिए। नंबर वन, मुझे ज्योग्राफी को कैसे पढ़ाना है, बच्चों को कैसे समझना है, बच्चों को कैसे इवेल्युएट करना है, अलग अलग बच्चों की समझ, लर्निंग डिफिकल्टीज, ये सब चीजें ये मुझे आना चाहिए। ये क्या है? पैडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। और तीसरी बात, करिकुलर नॉलेज बेस, मतलब कि जब मैं किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूं, तो वो सब्जेक्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, वो सब्जेक्ट बाकी रिलेटेड सब्जेक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है। ज्योग्राफी यदि मैं पढ़ा रहा हूं, तो ज्योग्राफी हिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है, ज्योग्राफी पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी हुई है, ज्योग्राफी जियोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है, ज्योग्राफी एनवायरमेंटल साइंसेस के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन ये ज्योग्राफी को सिर्फ मैं ज्योग्राफी की किताब में, टेक्स्ट बुक में, सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, सिर्फ वो पढ़ा देता हूं, लेकिन उसको बाकी सब चीजों के साथ रिलेट नहीं करता हूं, तो मैं बच्चों तक एक कंप्लीट, एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज अबाउट ज्योग्राफी नहीं दे पा रहा, उसकी बहुत जरूरत है। सो ये एक एस्पेक्ट। और दूसरा और एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट जो है, वो ये है कि मेरा जो ज्योग्राफी है, जो मैं आठवीं क्लास में पढ़ा रहा हूं, या दसवीं क्लास में पढ़ रहा हूं, या बीए के फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहा हूं, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। उससे पहले भी बच्चों ने ज्योग्राफी पढ़ी है, उसके बाद भी बच्चे ज्योग्राफी पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो मैं आज के कंटेंट को जो उन्होंने पहले पढ़ा है, उसके साथ कैसे रिलेट कर रहा हूं, आज के कंटेंट को जो वो कल को पढ़ेंगे, उसके साथ कैसे जोड़ रहा हूं, ये दूसरा एस्पेक्ट है। तो करिकुलर नॉलेज क्या है कि मैं अपने सब्जेक्ट को, आज जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, उसके साथ बाकी सब्जेक्ट्स की नॉलेज के साथ इंटीग्रेट कर रहा हूं, और जो आज पढ़ा रहा हूं, उसको पिछले साल की इंफॉर्मेशन के साथ, मैं जो अगले साल पढ़ाऊंगा उसके साथ जोड़ रहा हूं। यदि मैं ऐसा कर पा रहा हूं, तो मैं उस सब्जेक्ट को एक कॉम्प्रिहेंसिव वे से देख पा रहा हूं। तो ये जो एस्पेक्ट है, ये आइडेंटिफाइबल नॉलेज बेस है। और दूसरा बात, यदि मैं चीजों को इतने अच्छे से समझता हूं, समझना एक बात है, मैंने ये समझा कि ये टेक्निक है, लेकिन उस टेक्निक में मैं कितना कॉम्पिटेंट हूं, मैं ये जानता हूं कि क्वेश्चन अच्छा कैसा बनता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस क्वेश्चन में क्या एनोमली है, क्या गलती है, वो गलतियां, एरर्स कौन कौन से हुए, इसकी समझ मुझे है। लेकिन मुझे क्वेश्चन बनाना नहीं आता। यदि कोई मुझे कहता है कि क्वेश्चन बना दो, तो मैं क्वेश्चन उस तरह से बना नहीं पाता हूं। तो क्वेश्चन कैसे अच्छा बने, ये एक बात है, ये इस बात की समझ रखनी, ये एक बात है, और एक क्वेश्चन अच्छा बना देना। मैं बहुत अच्छा एक्सप्लेन करता हूं कि स्विमिंग कैसे की जाए, बहुत इफेक्टिवली बता देता हूं दूसरे आदमी को समझ आ जाता है, लेकिन यदि मुझे पानी में डाल दो, तो मुझे स्विमिंग करनी नहीं आती। तो स्विमिंग करना और स्विमिंग कैसे की जाती है, इसके ऊपर, इसकी समझ रखना, ये दो बातें हैं। तो एक जो प्रोफेशनल है, वो नॉलेज को समझता भी है, और उसको प्रैक्टिकली क्या करना है
वो प्रैक्टिकल कैपेबिलिटीज कॉम्पिटेंसीज भी उसमें हैं, ये दोनों बातें, और उसके बाद वो उसको वो फ्रीडम मिले, वो फ्रीडम एक्सरसाइज करे टू टेक प्रोफेशनल जजमेंट्स इन द प्रोफेशन, और तीसरी बात वो जब भी काम करे तो पर्सनल गेन की तरह से ना करे, अबाउट पर्सनल गेन काम करे, और चौथा उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो उसको डिक्टेट करे कि उसे क्या पढ़ना है, उसको अपने प्रोफेशन में कैसे एग्जीक्यूट करना है उन कॉम्पिटेंसीज को, उसको क्या मॉरलिटी के साथ काम करना है, वो एथिकल प्रैक्टिसेस यदि नहीं करता है तो उसकी लाइसेंसिंग कैंसिल हो, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो, ये सब बातें। और इसके साथ साथ प्रोफेशनल बॉडी सिर्फ यही नहीं करती कि डंडे की तरह से खड़ी हो, प्रोफेशनल बॉडीज इस बात के लिए भी काम करती है यदि आप एक प्रोफेशन यदि है और या एक प्रोफेशनल है यदि वो कंटिन्यूअसली चाहता है कि वो प्रोफेशनल जजमेंट्स लेने के लिए फ्री हो, तो उसको जो नई चीजें आ रही हैं उसके लिए अपडेट होना पड़ता है, जिसे हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। तो कंटिन्यूअसली जो सिस्टम है, जो काउंसिल है, जो एजुकेशन सिस्टम या टीचिंग सिस्टम को जो रेगुलेटरी बॉडीज रेगुलेट कर रही हैं, वो हर एक रेगुलेशन में प्रोफेशनल डेवलपमेंट को एक इंटीग्रल पार्ट की तरह से जोड़ती हैं। जैसे जब भी आप का पे रिविजन आता है तो हमेशा उस पे रिविजन के साथ आपकी कुछ ना कुछ कंडीशंस आती हैं कि आपको इतने कोर्सेज करने पड़ेंगे, इतने शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने पड़ेंगे, इतने सेमिनार लगाने पड़ेंगे, इतने आर्टिकल्स पब्लिश करने पड़ेंगे, इसके इतने नंबर होंगे। ये सारा जो एपीआई स्कोर की बात है, जो प्रमोशंस की बात है, जब हम इन चीजों के साथ लिंक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल बॉडीज जो हैं, प्रोफेशनल काउंसिल जो हैं, वो अपना राइट एक्सरसाइज कर रही हैं टू मेक टीचिंग टू बी ए प्रोफेशन, बिकॉज इफ द टीचर्स आर नॉट प्रोफेशनली डेवलपिंग देमसेल्व्स कंटिन्यूअसली, probably they are not able to exercise the professional development, professional judgments, in a very free way, because they are not competent. We need to remain competent if we are updated by the content knowledge also, by the pedagogical knowledge also, by the curricular knowledge also. So in this aspect, one crucial thing which I would like to suggest to all of you, those who are into higher education, should very consciously and seriously conduct the research work, and doing some good work and leaving it in the libraries again is a crime. If there is something substantial, original in your research work, try to publish it. Publish it through very popular journals, publish it in Scopus or Web of Science index papers, so that it is widely circulated in the academic world, circulated in terms of the findings and the conceptualization of finding and theoretical rationale of that those findings through a book, so that these things are being circulated amongst the academia, is one thing which is very fundamental to making our discipline to be a independent and certified discipline. And we'll be moving towards making our activity, occupational activity, teaching activity, a professional activity. And second is, whensoever we are under training or we are training the future teachers, we should make our training very stringent. बच्चे को जब आप पढ़ा रहे हो, उनको educate कर रहे हो, तो बहुत strictly educate करो उन्हें, बहुत firmly educate करो, so that जब वो यहाँ से जाएं, बीएड करने के बाद जाएं, तो बीएड करते हुए जितने दुखी हो जाएं बहुत अच्छा है। जो बच्चे लोग यहाँ मेरी बात सुन रहे हैं, उनको ये समझ होनी चाहिए कि जब उनकी ट्रेनिंग हो रही है तो वो बहुत टफ होनी चाहिए, रोते रहें, बिलखते रहें, काम के अंडर प्रेशर में उनका बुरा हाल हो, लेकिन जब वो यहां से निकल जाए, जब वो प्रोफेशन में जाए, तो दे आर द हैप्पीएस्ट पीपल, बिकॉज एनीथिंग यू नो विच इज बींग आस्क्ड बाय देयर एडमिनिस्ट्रेटर टू डू, दे आर कॉम्पिटेंट टू डू दैट, दे आर एंजॉइंग इट। सो एक तो ये एस्पेक्ट, और दूसरा एस्पेक्ट ये कि जो टीचर एजुकेटर्स हैं, जो अपने प्रोफेशन में हैं, उनको एक बात करनी चाहिए, जो मेरा पर्सनल सजेशन है, हर आदमी हर एरिया में एक्सेलेंट नहीं हो सकता। मैं हो सकता हूं कि बोलने में बहुत अच्छा हूं, हो सकता हूं कि रिसर्च करने में बहुत अच्छा हूं, तो मुझे अपने एरियाज जो हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट के या एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज वो डिसाइड कर लेने चाहिए।
मुझे टीचिंग भी करनी है, मुझे रिसर्च भी करनी है, मुझे प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी करना है, मुझे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करने हैं, मुझे अलग अलग तरह की चीजें करनी है, लेकिन मुझे एक दो साल करने के बाद ये देख लेना चाहिए कि मेरा मन किस चीज में लगता है, और उस एरिया में जब मैं आइडेंटिफाई कर लूं तो उसमें मुझे एक्सेल करने की कोशिश करनी चाहिए, बाकी सब चीजें एवरेज लेवल पे कंटिन्यू करते रहना चाहिए। एक बात मुझे ये लगती है कि ये सभी टीचर एजुकेटर्स को और सभी टीचर्स जो हायर एजुकेशन में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए, बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जब आप दो साल लगा रहे हैं, आपने दो साल की फीस दी है, उस फीस का पूरा फायदा उठाइए। मैंने कभी भी कहीं ऐसा नहीं देखा कि कोई आदमी किसी दुकानदार के पास जाए, उसको पैसे दे दे और उसे सामान ना लेके आए। जब हम कोई सामान लेने जाते हैं तो हम एक्सपायरी देखते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं, 10 चीजें करते हैं, 10 रुपए की कोई चीज खरीदने के लिए, लेकिन यहाँ 20-25 हजार रुपया एक एक सेमेस्टर के लिए दे रहे हैं और फिर ये कहते हैं कि मुझे जाना ना पड़े उस इंस्टीट्यूशन में, घर में बैठे बैठे ही हो जाए। कहीं ना कहीं हम अपने आप को अपने माता पिता के पैसे के साथ कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं। तो उन दो सालों में जितना अच्छा नॉलेज बेस, जितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग टीचिंग कंटेंट के साथ आप ले सकें, टीच करने के लिए क्या क्या कॉम्पिटेंसीज चाहिए, उन कॉम्पिटेंसीज में कॉम्पिटेंट हो पाए, और जो कमिटमेंट आपको चाहिए अपने प्रोफेशन में, टीचिंग प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के लिए, वो कमिटमेंट उन दो सालों में ट्रेनिंग, मतलब 6 महीने आप इंटर्नशिप पे हो, और 6 महीने एक अच्छा टाइम होता है जब आप अलग अलग एक्टिविटीज को करके, प्रैक्टिस करके, फीडबैक लेके, उनमें इंप्रूवमेंट लाके अपने आप को उन सब चीजों के साथ जोड़ पाओ, एटीट्यूडनली जोड़ पाओ, भावनात्मक तौर से जोड़ पाओ अपने आप को, सिर्फ पैसे के लिए नहीं पर बहुत सारी और चीजें, कि जब आपको बच्चे में जब इंप्रूवमेंट आता है, जब वो आपको सेटिस्फेक्शन देना शुरू कर दे इंटर्नशिप प्रोग्राम में, समझो कि आप में बदलाव आ रहा है। जब बच्चे के काम को, जब बच्चा 2 बजे के बाद भी शाम को आप खाना खा के रेस्ट कर रहे हो आधे घंटे के लिए, तो वो बच्चा, जिस बच्चे को कोई दिक्कत है, वो बच्चा आपके मन में घूम रहा है, उसको आप क्या तरीके से ठीक कर पाओगे, वो सॉल्यूशंस आप ढूंढ पा रहे हो, कुछ किताब उस बच्चे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पढ़ रहे हो, यदि आप ऐसा कर पा रहे हो तो मुझे लगता है कि आप में बदलाव आ रहा है। इसका मतलब टीचर एजुकेशन का जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है या जो 1.5 साल का आपका थ्योरेटिकल कोर्स था, वो उसके कारण कुछ बदलाव आ पा रहा है। यदि आप ये सब कुछ कर पा रहे हो, आपके अंदर हो पा रहा है, तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छा टीचर एजुकेशन कोर्स को आपने लिया है, और आप जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो आपके व्यक्तित्व में अंदर तक जा पा रहा है। यदि ऐसा हो पा रहा है तो प्रोबेबली आप धीरे धीरे इस प्रोफेशन को, जो आज सेमी यू नो फ्लूइड सिचुएशन में है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये प्रोफेशन है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ डायमेंशंस इसकी ऐसी हैं जो इसे प्रोफेशन, फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन की तरह से टेकअप नहीं कर पा रहे हैं, तो यदि हम टीचर्स और टीचर एजुकेटर्स इसको बहुत सिंसियरली, जैसे मैनेजमेंट के लोगों ने अपने फील्ड को लिया, यदि ऐसा लेना शुरू करेंगे, तो प्रोबेबली इन कमिंग डेज नॉट फार, यू नो, व्हेन वी टेक टीचिंग टू बी ए फुल फ्लेज्ड इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन एंड ए प्रोफेशन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने एक लंबे टाइम के लिए, 1 घंटे से ज्यादा हो गया, आप लोगों ने मेरी बात सुनी, और मुझे लगता है कि जो बात मैं कहना चाह रहा था वो मैं कह पाया आपके साथ। थैंक यू सो मच। यदि आप लोग कुछ बात करना चाहते हो तो मैं अपना चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, आप लोग बात, आपकी बात मैं सुन सकता हूं वहां। यहां कहीं चैट बॉक्स आ रहा है, फाइव चैट्स आ रही हैं, लेकिन कहीं ग्रुप नहीं बना हुआ। आई एम नॉट एबल टू डॉक्टर सोमो, आई एम नॉट एबल टू सी द चैट।
All right. I'm not able to see the chats. So I just say once again, thanks to all the viewers and especially to Dr. Somu, who has given me this platform to talk to you all. Thank you so much once again.